हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई की मेट्रो लाइन 3 जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। अगर हम इस मेट्रो लाइन की लंबाई की बात करें तो यह 33.5 किलोमीटर की होने वाली है, जिस पर कुल 27 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो कफ परेड से शुरू होकर बीकेसी होते हुए आरे कॉलोनी तक जाएगी। हाल ही में इस मेट्रो लाइन के स्टेशन के बारे में मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपडेट जारी किए हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम इस मेट्रो लाइन के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसे दो फेजेस में पूरा किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला फेज अंधेरी के सीप से शुरू होकर बीकेसी तक जाने वाला है और दूसरा फेज बीकेसी से शुरू होते हुए कफ परेड तक जाएगा। इसमें से फेज वन कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके अंदर 9 स्टेशन यात्रियों के लिए खुले कर दिए जाएंगे, जिसमें अंधेरी सीप्स और MIDC स्टेशन का 96% काम पूरा कर दिया गया है। मरोलना का 93%, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहार रोड, डोमेस्टिक एयरपोर्ट इनका 89% काम पूरा कर दिया गया है और सेंटा क्रूज स्टेशन का 88% और विद्यानगरी और बीकेसी का सबसे कम यानी 86% काम पूरा कर लिया गया है। अगर हम इन स्टेशन पर बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनकी लंबाई कुल 250 मीटर की होने वाली है, जो 8 डब्बे वाले मेट्रो ट्रेन के लिए काफी होगी। अगर हम इन स्टेशन के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1.3 किलोमीटर का डिस्टेंस हर एक स्टेशन के बीच में रखा गया है, जिसमें सबसे कम 700 मीटर का कालबा देवी और गिरगांव स्टेशन के बीच और सबसे ज्यादा अंतर डोमेस्टिक एयरपोर्ट और सहार रोड स्टेशन के बीच में है, जो 2.3 किलोमीटर का है। तो दोस्तों, इसी तरीके के अपडेट आप मेट्रो लाइन 3 के फेज 2 वाले स्टेशन के बारे में भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।